आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन का दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना से निधन हो गया है। साहबुद्दीन की छवि बिहार में बाहुबली नेता के रूप में थी, सिवान में उनकी तूती बोलती थी। सितंबर 2016 में साहबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। जमानत के वक्त वह भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। भागलपुर सेंट्रल जेल से जब साहबुद्दीन की रिहाई हुई तब 1300 गाड़ियों के काफिले के साथ वह भागलपुर से सिवान पहुंचे थे। जब तस्वीरें सामने आई तब पूरे देश में हंगामा मच गया। उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। साहबुद्दीन का रुतबा देखकर सवाल उठने लगे थे, क्या सिवान में फिर से उनका खौफ कायम हो जाएगा। उसके बाद साहबुद्दीन ने एक बयान दिया था मीडिया में कि हम नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानते हैं। वीडियो सामने आने के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई थी। उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में साहबुद्दीन की जमानत को रद्द करवाने के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद साहबुद्दीन को बिहार से तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था और साहबुद्दीन वहीं पर रह रहे थे। हालांकि कई बार उनके परिवार के लोगों ने पैरोल की मांग की थी, उसके बावजूद साहबुद्दीन को कोई पैरोल नहीं मिला था। आइए सुनते हैं साहबुद्दीन का वो पुराना इंटरव्यू जब 2016 में वह जमानत पर बाहर निकल कर आए थे। कोर्ट के आदेश का सम्मान पूरा देश को करना चाहिए, उस देश से हम अलग थोड़ी हैं, हमेशा से रहा है। मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं तो आपको कहीं से ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला होगा, मुझे इसके बारे में न पता है। जब पता ही नहीं है तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है। जिला प्रशासन ने आपको कोई नहीं नहीं नीतीश जी ने कहा है कि मैं बात में नहीं एक्शन में विश्वास करता। सही बात है, अच्छी बात है, उसी में करनी चाहिए, बात में करना भी नहीं चाहिए। बात में अगर देश विश्वास करने लगे तो फिर तो आप लोग देश चलाने लगेंगे। तो एक्शन क्या हो सकता है, अभी तक तो वो आपके एजेंसी है। नहीं नहीं, हमारे अगेंस्ट कहां कोई रहा है। ये परेशान उसको किया जाता है जिस जो परेशान होता होगा, हम तो परेशान किसी चीज से होते ही नहीं है। तो फिर हमारे अगेंस्ट कहां कोई रहता है, जो हमारे अगेंस्ट होता है वो अपने आप अगेंस्ट होता है, खुद के अगेंस्ट होता है, ऐसा कभी है नहीं। नहीं नहीं, उसके तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के भी संबंध है। आपने फोटो शायद पाया है कि नहीं पाया है, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट का फोटो है। एक मुझे लगता है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट को छोड़ के बाकी उनके नीचे के जितने पुलिस पदाधिकारी हैं सबके साथ है, मुख्तार अब्बास नकवी के साथ है। भाई तस्वीर है, मुख्तार अब्बास नकवी के साथ है, बहुत सारे लोगों के साथ है। तो ये आज आप ये सबसे बड़ी बात है कि ये डिसाइड करना कि वो क्या है, क्यों तस्वीर उसके साथ नहीं होनी चाहिए, और क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तस्वीर खिंचाने का लाइसेंस है और बाकी लोग नहीं खिंचा सकते हैं, और क्यों नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या है, वो अब्सकाउंडर है, उस वक्त अब्सकाउंडर था, उसके ऊपर कोई मुकदमे थे, क्यों आप शूटर कह रहे हैं। दो लोगों के आपस में झगड़ा होता है मोहल्ला में, एक दूसरे पर रंगदारी का केस करता है और लोग हाईलाइट कर देते हैं कि शूटर हो गया मोहल्ले के केस को। क्या उस पर क्या मुकदमा है, आपने पूछा किसी पदाधिकारी से? पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी खुद ही हाईलाइट करके इस केस को, और हमको लगता है कि उनको परेशानी बढ़ने जा रही है इस केस में। परेशानी नहीं बढ़ेगी, अब दबाव बढ़ेगा। आप लोग इसको इतना हाईलाइट कर दिए कि पुलिस को वो दबाव बढ़ेगा, सरेंडर कराना, ये कराना, कुर्की करना, पकड़ना, तो ये दबाव बढ़ेगा तो परेशानी नहीं बढ़ेगी। ये एक आदमी, एक लड़का कोई केस करता है, जो मुझे सूचना है अखबार के जरिए से, उस लड़के को मैं जानता हूं, मेरे कॉलेज के इम्प्लॉई है, 10,000 रुपया पाता है, वो क्या रंगदारी उससे कोई मांगेगा। 10,000 में वो अपने परिवार नहीं चला पाता होगा ठीक से, उससे कोई रंगदारी क्या मांगेगा। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसको नहीं ले आना चाहिए,
कि इसकी हैसियत 10,000 की है, डेली वेजेज पर हमारे यहां काम करता है एज ए क्लर्क और 10,000 रुपया पाता है, तो 10,000 से में रंगदारी क्या देगा? आप व्यवहारिक बताइए ना, व्यवहारिक बात बताए ना। पुलिस को इस जांच में अपने नहीं ले आना चाहिए कि भाई उसकी हैसियत ही 10,000, परिवार चलाने में घट जाता होगा, एक महीना में 3-4 बच्चों और बीवी के साथ परिवार चलाना 10,000 रुपया में शहर के अंदर आसान काम है, वो रंगदारी क्या देगा? तो ये पुलिस को पहले ही लाना चाहिए। ये पुलिस इसको नहीं ले आई तो पुलिस खुद परेशान हो रही है।